इसराइल और ईरान के बीच जंग से दुनिया की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस बीच भारत सरकार ने भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और उसमें कहा है कि फिलहाल ईरान की यात्रा से बचें। इसराइल और ईरान आमने सामने से कई मिसाइलें दाग रही हैं, लगातार ये सिलसिला जारी है। अब ईरान ने पलटवार किया है और हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का इसराइल से बदला लिया है। ईरान ने मंगलवार की रात को इसराइल पर रॉकेट मिसाइल से अटैक कर तेल अवीव के आसमान को धुआं धुआं कर दिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये तमाम उन मिसाइलों की ही है जिससे धुआं धुआं पूरा आसमान हो गया। ईरान ने इसराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात कर दी। इसराइल ने जिस बेस से नसरल्लाह को मारने के लिए F-35 जेट्स को लॉन्च किया था, ईरान ने उसे भी ध्वस्त करने का दावा किया है। तो फिलहाल ईरान और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं और इस बीच मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज पर भी इसका असर है। ईरान ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, ये भी दावा किया जा रहा है। इसराइल पर हुए हमले के बाद से ही प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे दी है। इसराइल ने कहा है कि ईरान ने जो भी किया उसकी बहुत भारी कीमत उसे चुकानी होगी। इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत इसराइल का समर्थन देने वाले तमाम देश ईरान के खिलाफ हो गए हैं, यानी जो कुछ दुनिया अभी देख रही है उससे भी भयानक हालात मिडल ईस्ट में हो सकते हैं। अब तमाम अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि मिडल ईस्ट में क्या होगा, ये सारे देश एक तरफ हैं, तो ईरान का क्या होगा। सोचिए, क्या आपको ये पता है कि ईरान के मिसाइल अटैक के बाद जिन बंकरों में छिपकर इजराइल के लोग शरण ले रहे हैं वो किसी और ने नहीं बल्कि भारतीयों ने ही बनाया है। बिल्कुल सही सुना आपने, भारतीयों द्वारा बनाए गए बंकरों में इजराइल की सेना शरण ले रही है, इजराइल के लोग शरण ले रहे हैं। भारत से यहाँ पहुंचे तमाम ट्रेन वर्कर्स को अलग अलग कामों में लगाया गया, जिनमें से कुछ का काम बंकर बनाना भी है। इसराइल में नौकरी कर रहे लोग ये कहते हैं कि हम जब से यहाँ आए हैं बंकर बनाने का ही काम कर रहे हैं। हमारे बनाए बंकर जंग के दौरान यहाँ की आर्मी और आम लोगों के काम आते हैं, ऐसा भारतीय लोगों का कहना है। पहले ये सीमा पर भेजे जाते हैं, ये बताते हैं कि ये बंकर सीमेंट के ही होते हैं लेकिन काफी मजबूत होते हैं, इनके अंदर स्टील की प्लेट डली होती है। बंकर कैसे होते हैं इसे भी विस्तार से समझिए। इन्हें बड़ी बड़ी क्रेनों से उठाकर बड़ी मालवाहक गाड़ियों में भरकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, इस तरह के बंकर होते हैं। ये बंकर बिल्कुल कमरे की तरह दिखने में होते हैं, जैसे घर का एक कमरा समझिए, लेकिन इनकी बनावट और इनमें जो मटेरियल उपयोग किए जाते हैं वो बहुत अलग होते हैं, काफी मजबूत माने जाते हैं। सार्वजनिक जगहों पर हजारों लोगों के छिपने के लिए जगह जगह बंकर बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि लगातार ईरान और इसराइल के हालात ठीक नहीं है, ऐसे में लोगों को बचाने के लिए कई बंकरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। खतरा होने पर कोई भी छिपकर अपनी जान इन बंकरों में बचा सकता है, जगह जगह पर, क्योंकि इसे बनाए गए हैं। इसके अलावा हर मकान में 3 मीटर नीचे एक बंकर बना हुआ है जिसमें किसी तरह का हमला होने पर छिपा जा सकता है, यानी कि जो बड़े बड़े इमारत हैं, बड़े बड़े घर हैं, उनमें भी नीचे बनाए गए हैं। इसराइल और हमास के बीच जंग के दौरान जो इमारतें क्षतिग्रस्त हुई थी उन्हें सजाने संवारने के लिए इसराइल ने भारत से 1 लाख श्रमिक की मांग की थी। याद होगा आपको, याद कीजिए, भारत में कुछ समय पहले इसराइल से एक समझौता हुआ था जिसके तहत तमाम भारतीयों को नौकरी के लिए इसराइल भेजने का निर्णय लिया गया। सबसे पहले इसके लिए उत्तर प्रदेश तैयार हुआ और जो श्रमिक इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं, जो बंकर बना रहे हैं, उनमें संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में हर जिले में इसराइल जाने वाले ट्रेन वर्कर्स के लिए वैकेंसी निकाली गई। उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में फेम वर्क, शटरिंग कारपेंटर और सिरेमिक टाइल का काम करने वाले युवाओं को इसराइल भेजा गया। यहां पर इन श्रमिकों को प्रति महीने अच्छी खासी सैलरी भी दी जाती है। इसराइल और इंडिया का अगर मुकाबला आप करें तो वहां पर मजदूरों की सैलरी कई लाखों में होती है। एक साथ आए थे सैकड़ों लोग इसराइल में काम करने वाले। कई लोग ऐसा बताते हैं कि जब दिल्ली एयरपोर्ट से इसराइल के लिए फ्लाइट पकड़ी गई थी
तो वो स्पेशल फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ इन मजदूरों के लिए ही थी, उसमें कोई और नहीं था। उसमें जितनी सीटें थी सब इसराइल में काम करने वाले लोग ही बैठे हुए थे, लेकिन जब यहां की राजधानी पहुंचे सारे तो सब एक दूसरे से बिछड़ गए। हालांकि कहीं ना कहीं बंकर बनाने के दौरान ये जो श्रमिक जो एक साथ आए थे वो मिल ही जाते हैं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। दो दो चार चार की संख्या में इसराइल के अलग अलग इलाकों में इन भारतीय श्रमिकों को भेजा गया, कोई किसी इलाके में है तो कोई किसी इलाके में पहुंचा है। आते ही हम में से बहुत सारे लोगों को बंकर बनाने के काम में लगा दिया गया, ऐसे वहां के भारतीय श्रमिक कहते हैं। उस समय हमें यह बताया गया था कि ये बंकर सीमा पर यहां की आर्मी के जवानों के लिए जाते हैं। बाद में पता चला कि मिसाइल अटैक के दौरान यही बंकर आम लोगों के छिपाने के लिए काम आ रहे हैं। पहले भारतीय मजदूरों को बिल्कुल भी ये नहीं बताया गया था कि इन हालातों के लिए बंकर बनाए जा रहे हैं। जैसे ही वहां पर वो गए तो उन्हें पता चला कि ऐसे हालात बने हुए हैं इसराइल और ईरान के बीच में, और ये तमाम जो इंडियन लेबर हैं, इंडियन श्रमिक हैं, भारतीय श्रमिक जो हैं, उनकी मेहनत से बनाए गए बंकरों में ही इजरायली शरण ले रहे हैं। तो सोचिए कि ईरान और इसराइल का युद्ध एक तरफ और दूसरी तरफ भारतीय श्रमिकों की मेहनत एक तरफ, उन्हीं के बनाए गए बंकरों में जो इजरायली सेना है, बड़े बड़े अधिकारी हैं, वहां के जो लोग हैं वो छिपते हैं, अपनी जान बचाते हैं। हाल ही में ईरान ने जबरदस्त जो बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया उससे इसराइल दहल गया है, लेकिन इसराइल का समर्थन अमेरिका कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहे हैं और इसे कई मिडिल ईस्ट के कंट्रीज कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि ईरान पर कितनी भारी पड़ती है ये मिसाइल अटैक।